हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके भी पास इस तरीके के ज्वेलरी के पर्स पड़े हुए हैं तो इनका हम बहुत ही प्यारे से तीन आइडिया बताने वाले हैं। और गाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडिया हैं। तो सबसे पहला आइडिया तो हमारा यही है कि आप इसमें कुछ रख के यूज में ले सकते हो। तो देखिए, एक पर्स में तो मैंने रखे हुए वैसे तो पैसे, तो मैं एक पर्स में पैसे ही रख के रखती हूँ इसमें। लेकिन एक पर्स हमारा वेस्ट पड़ा हुआ था और मैंने सोचा इसका हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। ये मुझे ना बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, वैसे तो छोटा सा था, क्यूट सा था कहीं ले जाने करने के लिए। इसमें फ़ोन भी अच्छे से आ रहा था और छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो हमारा सामान होता है वो भी आ जाएगा इसमें। अब मैंने सोचा इसको हम इस तरीके का बना लेते हैं, कहीं जाओ तो अच्छा भी लगे इसका जो लुक है वो। क्योंकि अब हम ऐसे ही ले जाएंगे ना, तो इस पर जो नाम वगैरह सब कुछ डल रहा है ज्वेलरी वगैरह के तरफ से, ज्वेलरी शॉप की का जो नाम डल रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है कहीं भी ले जाओ कर जाओ तो। और इस पर हम थोड़ा सा हटके लुक दे देंगे ना, तो उससे बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा लुक भी आ जाएगा और भद्दा भी नहीं लगेगा अपने आप में भी कहीं ले जाने में। अब देखिए, मैंने ली है साड़ी की पुरानी लेस। अगर आपके पास साड़ी की पुरानी लेस नहीं है तो आपके पास कोई भी अच्छा सा कपड़ा पड़ा है तो उसकी आप स्ट्रिप सिल लीजिए चौड़ी सी और उसको आप इस पर लगा सकते हो। या फिर और मैं आप लोग को तीसरा आइडिया भी बताऊंगी किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये तो हमारा है दूसरा आइडिया। पहला आइडिया तो हमारा वही था कि आप इसमें सामान वगैरह रख सकते हो, जो भी आप इसमें आप सामान अपना रखना चाहो। तो मैं तो पैसे रख के यूज में ले ही रही हूँ अपने एक पर्स को, लेकिन एक वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसको भी हम कुछ कर ही लेते हैं। क्योंकि ये मुझे ले जाने के मतलब से भी बनाना था, क्योंकि इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा सा लग रहा था मुझे। कहीं भी जाओ, छोटा मोटा अगर बच्चे के लिए एक छोटी सी बोतल भी डाल के ले जाओ और एक फ़ोन भी आ जाएगा और रुमाल भी आ जाएगा। ये तीन चीज़ें तो हमें कहीं जाओ तो चाहिए चाहिए होती हैं, कहीं भी जाओ। ये तो कहीं हम बाज़ार भी जा रहे हैं तो भी चाहिए होती हैं, तो पर्स नहीं ले जाते हैं बाजार में तो ऐसा। और छोटा सा अगर ले जाना चाहो तो ले जा भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो हमारी साइड से जो सिलाई लगी हुई थी वहां तक मैंने इस लेस को पहले सेट किया, एक तरफ से सेट किया और फिर चारों तरफ से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई इसमें लगा दी है। और इससे ना एक ही लेस के टुकड़े से बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा। और अगर आपके पास लेस नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, कपड़े की आप स्ट्रिप लगा सकते हो या फिर कपड़े में आप फ्रिल वगैरह लगा के उससे और भी ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव सा लुक इसमें दे सकते हो। तो देखिए, मैंने इस तरीके से लेस लगा दी और कितना प्यारा सा लुक आ गया है। और जो इसमें ज्वेलरी का नाम वगैरह पड़ा हुआ था ज्वेलर्स वगैरह का, वो अब इसमें कुछ भी नहीं है और बहुत ही प्यारा सा लुक हो गया है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो और मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, अब आपको तीसरा आइडिया बताते हैं। तो फिर से मैंने जो दूसरा वाला पर्स था वो ले लिया। अब इसमें से पहले हम पैसों को निकाल देते हैं, तभी ये हमारा आइडिया होगा। तो देखिए, मैंने एक पेज ये निकाला हुआ है पुरानी साड़ी जो हमारी फट गई थी मेरी, उसमें से मैं इस तरीके से पैटर्न वगैरह निकाल लेती हूँ। आप वो लगा सकते हो इसके ऊपर, या फिर आप कपड़े के फ्लावर वगैरह बना के लगा सकते हो। ये तो रेडीमेड है, तो मैं इसमें रेडीमेड फ्लावर या फिर ऐसे साड़ी के आपके पास पेच वगैरह पड़े हुए हैं तो आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा इसी से। और गाइस, अगर आप लोग को हमारे तीनों आइडिया पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो देखिए, मैंने ये तीसरा आइडिया भी रेडी कर लिया है। मैंने इसमें लगाए हुए हैं फ्लावर। तो देखिए, कौन सा आइडिया दोनों पर्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे तो ये लास्ट वाला अच्छा